एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टाइलिंग रिव्यूज, जहां पे मैं आप लोगों के साथ फैशन, ब्यूटी, मेकअप, होम डेकोर, कुकिंग, इस टाइप का वीडियो शेयर करती हूं। आज का हॉल कोई हॉल वीडियो नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ किचन की चिमनी को कैसे क्लीन करें इसका मेथड शेयर करने वाली हूं। बहुत ही ईजिली किचन की चिमनी को मैं क्लीन करती हूं, सिंपल 4 स्टेप्स में। दिवाली आने वाली है, दिवाली में हम सब अपने घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो किचन में भी करते हैं। किचन की चिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें ऑयल कलेक्ट हो जाता है तो ये ईजिली वर्क नहीं करता है। मेरी किचन की ये जो चिमनी है ये एलिका ब्रांड की है, सेल्फ क्लीनिंग है, ऑटो क्लीनिंग इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से मैं इसका जस्ट फिल्टर निकाल करके मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जब लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं किसी को भी बाहर से बुला के क्लीन नहीं करवा पाती हूँ। बट अगर पहले मैं क्या करती थी कि मैं एवरी 3 मंथ में बुला के किसी से क्लीन करवा लेती थी। बट इस सिचुएशन में हम सब कुछ अपने हाथ से ही कर रहे हैं, सब कुछ अपने से ही मैनेज कर रहे हैं, इसे भी हमें ही मैनेज करना है। इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन देखा है, जिससे मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। मैं आपको आगे के वीडियो में बताती जाऊँगी, तो डेफिनेटली आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आपको भी इससे बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है, और आप भी अपने घर के किचन की चिमनी को बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब हम कोई भी कुकिंग करते हैं तो इसका जो ऑयल निकलता है वो साइड में भी कई जगह पे जाके कलेक्ट हो जाता है, बहुत ही स्टिकी जैसा हो जाता है। इसको या ये आपकी टाइल्स है और इसके ऊपर और चिमनी की इस साइड को क्लीन करने के लिए मैंने एक होममेड सॉल्यूशन बनाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, उससे भी आप ईजिली अपने चिमनी को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप चिमनी को देखिए, कितना डर्टी है ये चिमनी, कितना ऑयल इसमें कलेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके ये ऑयल भी गिर रहा है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाती है। फर्स्ट मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जब भी आपको अपनी चिमनी को क्लीन करना है, उसके जस्ट एक दिन पहले नाइट में आप अपने चिमनी के फ़िल्टर को निकाल के इस तरह से अपने सिंक में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी ऑयल हो कलेक्ट है आपके फ़िल्टर में वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रखने से निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड में मैं इस फ़िल्टर के ऊपर एक सोल्यूशन स्प्रे करूंगी, बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन है वो, जिससे कि ये जितना भी ऑयल है ये सब क्लीन हो जाएगा बहुत ही ईजली। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैं जो क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज़ करने वाली हूँ वो है एवांस ब्रांड का ऑयली सरफेस क्लीनर, रिमूव टफ ऑयल डर्ट है। ये जितना भी आपका ऑयल है आपके, चाहे गैस पे हो और आपके चिमनी में हो, ये सब तरह के ऑयल को बहुत ही ईजली रिमूव करता है, सेफ है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और इसे आप अपने चिमनी क्लीनर चिमनी पे लगा सकते हैं, माइक्रोवेव में लगा सकते हैं, और आपने गैस स्टोव में जो डर्ट हो जाते हैं जहाँ पे जब मिल्क वगैरह गिरता है तो वो पूरा काला काला हो जाता है, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। आपने बाथरूम की फ्लोर सॉरी वॉल टाइल्स को भी आप क्लीन कर सकते हैं इससे। तो मैं इसे कैसे यूज़ कर रही हूँ, इसे जस्ट आपको अपने फ़िल्टर पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको इसे 1 मिनट के लिए वेट करना है। 1 मिनट के बाद आपको इसमें जितने भी ऑयल है उसको निकालना है। ऑयल निकालने के लिए मैंने ये वायर ब्रश का यूज़ किया, ये 3 पीस का ब्रश मिलता है, इससे मैं ऑयल कलेक्ट करके निकालूंगी। ये स्क्रबर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस एवांस ब्रांड के साथ मिला था मुझे सॉल्यूशन के साथ, तो ये भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने चिमनी को इसको ओपन कर दिया है, तो ये ओपन होने पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और मैंने दोनों में ही स्प्रे कर दिया। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कितने 1 मिनट होने के बाद मैंने वायर ब्रश की हेल्प से इसमें जितना भी ऑयल था उसे मैं कलेक्ट करके निकाल लूँगी। और इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो क्लीन कर रहे हैं, और बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है जब स्प्रे करने के बाद आप इसे निकालते हैं। इस तरह से आप निकाल के इसके जितने भी डर्ट को है उसको आप पेपर में कलेक्ट कर लीजिए। और हाँ, एक बात मैं और आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप इस सॉल्यूशन को यूज़ करिए, ज़रूर आप अपने हैंड में हैंड ग्लव्स पहनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका हैंड थोड़ा सा रफ़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है ये, और ऐसा हैंड ग्लव्स पहनिए जिसको कि आप उसके बाद थ्रो कर सकें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑयल एंड डर्ट कलेक्ट हो जाएंगे, तो वो आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे अपने फ़िल्टर को पूरे अच्छे तरीके से वायर ब्रश की हेल्प से रिमूव कर लीजिए जितना भी इसमें ऑयल है। इसकी ये मेरा सेकंड मेथड है, तो ज़रूर आप इस तरीके से करिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको वाटर को बॉईल करना है, और बॉईल करके उसे आप अपने सिंक में, किचन में जो आप सिंक यूज़ करते हैं उसको लॉक करके आप उसमें हॉट वाटर को डाल करके और अपने फ़िल्टर को उसमें थोड़े देर के लिए 10 मिनट्स के लिए डिप रहने दिए। डिप होने से क्या होगा, जितने भी ऑयल होंगे वो हॉट वाटर के साथ रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप एक स्क्रबर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा उसे क्लीन कर लीजिए, जिससे कि और भी जो उसमें ऑयल होंगे वो सभी निकल जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पेपर पे अच्छे से लगा दिया है और एक अच्छे कॉटन क्लोथ की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी चिमनी कितनी शाइन कर रही है, बिल्कुल अच्छे से इसमें जितना भी ऑयल था सब जो है रिमूव हो चुका है, बिल्कुल शाइन कर रही है, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो बहुत ही ईजिली ये 4 स्टेप में आप अपने किचन की चिमनी को क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सन ड्राई और एक कॉटन के क्लोथ से इसे अच्छे से ड्राई करके आप इसे अपने चिमनी में फिट कर सकते हैं। बोथ साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना ही क्लीन हो चुका है, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि जो चिमनी आपने निकाली थी ऑयल वाली, ये सेम चिमनी है। तो ये था चिमनी को क्लीन करने का मेथड। अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब हम कुकिंग करते हैं तो जो उसका ऑयल निकलता है वो हमारे पूरे साइड साइड्स में कई जगह लग जाते हैं, लाइक हमारे जो डोर होते हैं या जो वार्डरोब होते हैं उसमें जाके स्टिक हो जाते हैं। उसे आप कैसे क्लीन करेंगे, इसे भी आप जो है एक होममेड सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप वो बना करके ईजिली इसको लगा करके आप ओनली 5 मिनट में इस पूरे ऑयल को आप क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डर्टी है ये सारी चीज़ें। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल लूँगी, आप कोई भी बोल ले सकते हैं। बोल में मैं विनेगर यूज़ करूँगी, सिंथेटिक विनेगर है जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं। इसे मैं 2 to 3 टेबल स्पून लूँगी। विनेगर को लेने के बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा के बाद आप जो आपके घर में जो आप लिक्विड यूज़ करते हैं बर्तन को वॉश करने के लिए, लाइक विम लिक्विड, वो मैं यूज़ करूँगी, उसे आप 1 टेबल स्पून ले लेंगे, वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और अगर आपका किचन में आप बहुत ज़्यादा ऑयल कलेक्ट हो चुका है तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये आपका होममेड सॉल्यूशन बिल्कुल रेडी हो गया, बहुत ही परफेक्ट है, सेफ़ है। आप इसे किसी भी अपने जहाँ जहाँ भी ऑयल कलेक्ट है आप वहाँ पर ईजिली इसे लगा सकते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन को लगाने से पहले आप अपने गैस स्टोव के ऊपर एक पेपर रख दिए, जिससे कि आपका जो भी जब सॉल्यूशन लगाया तो उससे आपका गैस नहीं गंदा हो। तो इसके बाद मैंने एक ग्रीन स्क्रबर लिया, स्क्रबर को इसमें मैं डिप करके पूरे अपने चिमनी के ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट में जहाँ जहाँ भी ऑयल दिख रहा है उसे मैं अच्छे से लगाऊंगी, और साथ में ही मैं साइड में जो वार्डरोब है उसमें भी मैं लगाऊंगी। तो इसको लगाने के बाद मैं इसे 5 to 10 मिनट छोड़ दूंगी ऐसे ही, जिससे कि बिल्कुल डर्ट इसका कलेक्ट हो जाए और मैं इसे ईजिली क्लीन कर सकूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी ऑयल कलेक्ट है मैंने इस सॉल्यूशन को वहाँ पे लगा दिया है, बहुत ही ईजिली ये लग भी जाता है और ईजिली इसे मैं क्लीन भी कर लूँगी। इस वाले कंपार्टमेंट में मैं सिर्फ ऑयल रखती हूँ तो मैं इस वाले कंपार्टमेंट को भी क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑयल कलेक्ट हो चुका है। सेम स्क्रबर की हेल्प से मैं इस पूरे जगह को अच्छे से
लगा करके 5 to 10 मिनट रख करके उसके बाद इसे ईजिली मैं कॉटन के कपड़े से वाइप कर दूँगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चिमनी के ऊपर के एरिया में भी बहुत सारा ऑयल कलेक्ट हो चुका है। सेम सोल्यूशन को मैं यहाँ भी लगा के अच्छे से स्क्रब कर लूँगी और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। टेन मिनट के बाद मैंने एक वेट क्लॉथ से इसको अच्छे से सब जगह जहाँ जहाँ भी मैंने सोल्यूशन को लगाया था उसे वाइप कर लिया है और उसके बाद मैंने एक ड्राई क्लॉथ से इसको अच्छे से वाइप कर लिया। आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है, बिल्कुल क्लीन हो गई है आपकी चिमनी बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से। तो डेफ़िनेटली आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए अपने घर में। प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, पसंद आया, तो ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपके लिए और भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊँगी। चलिए मिलते हैं अपने एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर।